मूवी शार्ट्स एक्सप्लेन फर्स्ट सी दिस। ये आदमी जैसे ही पानी छिड़कता है तो मेज पर बनी एक छोटी सी दुनिया में बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ के छोटे छोटे लोग बारिश में नाचने लगे थे। बुड्ढा आदमी फिर से अपने नौकर को पानी छिड़कने के लिए कहता है और अब उस दुनिया में हरियाली आने लगी थी। ये बूढ़ा आदमी इस दुनिया का मालिक था। इस दुनिया में छोटे छोटे जानवर भी रहते थे। तभी एक दिन छोटा आदमी दो पत्थरों को घिसकर आग जला देता है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। लेकिन मालिक उनके शोर से परेशान हो जाता है और अपने नौकर को आग बुझाने के लिए आदेश देता है। उस नौकर ने एक फूंक मारकर आग बुझा दी थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ हाथी उन लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर गुफा में छिप जाते हैं। एक साल बीत चुका था और गुफा से निकलकर ये लोग नाचते हुए मालिक से बारिश की मांग करते हैं। लेकिन अब मालिक इन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए नौकर को एसिड की बारिश करने के लिए कहता है। नौकर ने एक बॉक्स से एसिड की एक बोतल निकाली और उस मेज की दुनिया पर छिड़क देता है, जिससे वहाँ के सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। चैनल्स को देखो जो बिना फेस दिखाए YouTube से वीडियो डाउनलोड करके YouTube पर ही अपलोड कर रहे हैं। OFX ने 970 वीडियोस में 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और दूसरी जगह ये गुडू एक्सप्लेन, जिसने 266 वीडियोस अपलोड करके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और इनकी अर्निंग की बात की जाए तो ये अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। और ये शॉर्ट्स बहुत ही अच्छी व्यूज गेन कर लेती हैं, बिकॉज ये वीडियोस लोगों को एंड तक देखने पर मजबूर कर देती हैं, बिकॉज वो सोचते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे अब क्या होगा। आपने यहाँ किसी की वीडियोस कॉपी तो नहीं करनी या उसकी वीडियो उठा के अपलोड कर देना, बट अभी आपने ऐसी वीडियोस नहीं बनानी, पहले आपने एक मूवी ढूंढनी है। अब हम 2 घंटे वाली थोड़ी मूवी को ढूंढेंगे। तो भैया क्या करें, जल्दी बताओ ना। बताता हूँ, पहले सब्सक्राइब तो कर लो। अभी वीडियो के 4 स्टेप हैं जिसमें आप ये सारा कुछ सीखेंगे, लाइक उनकी तरह। फर्स्ट स्टेप है मूवी डाउनलोड। अब अगर यूट्यूब पर लिखेंगे मूवीज तो बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि हमारे काम की नहीं है। आपने सिर्फ लिखना है मूवी एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर 10-15 मिनट की वीडियो होगी। इस तरह की मूवी के पार्ट्स चाहिए सर्च कर लेना, लाइक के मेन एंड लाइन फाइटिंग, और उस मूवी के रिलेटेड एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड कर लेना। नाउ यू कैन सी कि बहुत ही मूवीज आ चुकी हैं, वो भी बहुत ही अच्छी सी। डाउनलोड करने का तरीका यहाँ तो नहीं बता सकता, बट हाँ मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहाँ पर जिस चीज़ की आपको नीड होगी वहाँ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप 2, स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको उस मूवी को ध्यान से देखना होगा, फिर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाओगे। और अब मैंने इस वीडियो को एडिट किया है और स्क्रिप्ट भी लिखा है। अब बिफोर, एक जंगल में बाप अपने बेटे को खाना खिला रहा होता है, पुलिस अचानक पीछे पड़ जाती है, जहां पर बाप और बेटा भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। बाप और एंड आफ्टर, बाप अपने बेटे को खाना खिला रहा होता है, अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो पुलिस नजर आती है, और बेटा और बाप भागने की कोशिश करते हैं, जैसे ही भागते हैं तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और वो एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर भी रहते थे, और वो दोनों छुप जाते हैं। पुलिस भी आखिर नाकाम होकर वापस चली जाती है। स्टेप 3, वॉइस ओवर। अगर आप वॉइस AI से जनरेट करके वॉइस लगाना चाहें वो भी ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास अपनी वॉइस ओवर को यूज करें। अगर आप अपनी वॉइस ओवर को यूज करोगे तो स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप वीडियो किसी भी ऐप में इंपोर्ट करके वहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर को एडिट करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज कर सकते हैं। अगर लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ऑडियो को एडिट करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना के रखी है, जाके देख सकते हो। स्टेप 4, मूवी एडिटिंग। यहाँ पर आपने मूवी को इंपोर्ट करना है, आप मूवी का म्यूजिक बंद कर देना है, देन वॉइस को भी इंपोर्ट करके एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को भी इंपोर्ट कर देना है। अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम पूरा रखना है, जहाँ पर अच्छा लगे। अब बारी है एडिटिंग के, अपनी वॉइस को सीन के साथ मैच कर लेना या फिर स्पीड बढ़ा देना ताकि उसके साथ मैच हो सके। अब इसको देखो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है, या फिर स्प्लिट करना जहाँ पर सीन ज्यादा हो, लाइक दिस।